देयर इज अ सेइंग स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। बस उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जब किसी स्टॉक का दाम एक डायरेक्शन में बढ़ या घट रहा हो, उसी समय ट्रेड करके आप उस स्टॉक की मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देर करे अब आगे बढ़ते हैं। Hi, I am Smit Thakkar and this is Espresso Bootcamp. Here you will learn skills that will help you navigate your stock market journey. Hello दोस्तों, आज के वीडियो से हम सीखेंगे कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, कौन से टूल्स है जिनके यूज से आप मोमेंटम ट्रेडिंग को सही तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से कौन से फायदे और नुकसान हो सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिसमें काफी बाइंग हो रही है। जब तक प्राइसेस राइज करते रहते हैं हम इस ट्रेड में इन्वेस्टेड रहेंगे। हम तब एग्जिट करेंगे जब मोमेंटम वीक हो जाए और प्राइस पीक करने लगे। सो बेसिकली दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स बाइंग अ स्टॉक दैट हैज शोन अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन प्राइस और वॉल्यूम। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। आपके स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक का 15 मिनट प्राइस चार्ट है। 28 जुलाई 2022 को इसके स्टॉक का प्राइस प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर ओपन हुआ। आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशन ओपन होते ही फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई था और स्टॉक प्राइस बढ़ती रही। दिस इंडिकेट्स हैवी बाइंग एक्टिविटी एंड द पोटेंशियल फॉर द मोमेंटम ट्रेड। थ्रू द डे द स्टॉक प्राइस रोज फ्रॉम 990 रुपीज टू 1017 रुपीज। ट्रेडर्स हु एंटर्ड द स्टॉक इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे रोड द मोमेंटम एंड मेड द डिसेंट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे। अब देखिए कि मोमेंटम ट्रेडिंग को तीन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वॉलिटिलिटी, वॉल्यूम एंड टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉलिटिलिटी। मोमेंटम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है किसी भी स्टॉक का प्राइस का वॉलेटाइल होना, वो भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेकेंडली ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसे स्टॉक को चूज करें जो मार्केट में ज्यादा खरीदा और बेचा जा रहा हो। एंड लास्टली क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मोमेंटम पर बेस्ड है, इसमें टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट स्कैल्प ट्रेडर्स थोड़े समय के लिए ही इस स्ट्रेटेजी से किए हुए ट्रेड में रहते हैं और जैसे ही प्राइस एक्शन वीक होने लगे वो ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। अ स्कैल्प ट्रेड कैन बी एज शॉर्ट एज कपल ऑफ सेकेंड्स। ट्रेडर्स रिलाई ऑन सेवरल टूल्स टू हेल्प देम स्पॉट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। चलिए इनमें से कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आती है मूविंग एवरेजेस। इसकी हेल्प से आप कोई भी स्टॉक को किस डायरेक्शन में वो जाने वाला है वो पता कर सकते हैं। आपको 5, 20, 50, 100 या 200 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है और देखना है कि स्टॉक इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। दूसरा है RSI। RSI helps traders to predict the trend reversal. RSI is measured between 0 and 100. किसी भी स्टॉक के RSI 50 से ज्यादा हो तो माना जाता है कि भाई इसमें अच्छा अपवर्ड मोमेंटम है। The third is stochastic oscillator. RSI की तरह भी ये इंडिकेटर भी मोमेंटम पर बेस्ड है। ये किसी भी स्टॉक की प्राइस को हिस्टोरिकल प्राइस रेंज से कंपेयर करके उसके ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स को इंडिकेट करता है। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटेजी में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो तो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट बनाने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको एक चेतावनी दे दूं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वही हाल कुछ यहाँ है। फर्स्टली अगर आप सही समय पर मार्केट में एंटर नहीं किए या ट्रेड से नहीं निकले तो आपको काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। एंड सेकेंडली मोमेंटम ट्रेडिंग इज मार्केट सेंसिटिव। इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन अ बुल मार्केट एज इन्वेस्टर्स आर ईगर टू पुट इन मनी, बट इन बेयर मार्केट प्रॉफिट कैन बिकम वेरी लिमिटेड एज इन्वेस्टर्स बिकम मोर कॉशियस। टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.